हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है जन्माष्टमी और हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। जन्माष्टमी की आप सभी को हमारी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस यहाँ पर मेरी पूजा की तैयारी हो गई है, पर जो पूजा की तैयारी होती है, सब कुछ डेकोरेट करना होता है, वो सब मैंने कर लिया है। वो सब शाम को ही मैंने कर लिया था। बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ और मुझे अद्विक को रेडी करना है। माही भी रेडी हो गई है, अद्विक को सिर्फ रेडी करना है। एक्चुअली यहाँ पर अद्विक का ड्रेस है, ये मेरे पास ड्रेस था पिछले साल का, ये ड्रेस है कान्हा का, तो ये ही पहना देती हूँ। एक्चुअली मेरा बाहर जाना ही नहीं हुआ आज। पहले मैंने सोचा था कि मार्केट में जाऊंगी, अद्विक के लिए कुछ ड्रेस लाऊंगी और उसको कान्हा के गेटअप में तैयार करूंगी, बट ना मेरा मार्केट ही जाना नहीं हुआ कुछ भी लाने के लिए। तो मैंने ना इनको दोपहर में कान्हा जी के जो कपड़े होते हैं वो लाने के लिए बोल दिया था, तो ये लेके आया है। और इस बार बिल्कुल जन्माष्टमी की शॉपिंग नहीं कर पाई मैं, तो ये है कान्हा जी का ड्रेस। बहुत अच्छा लगा मुझे, ये ब्लू कलर में ड्रेस लाया है और ब्लू कलर का ही ये मुकुट लाया है, तो बहुत सुंदर लग रहा है। ये वाला ड्रेस अभी कान्हा जी को पहनाएंगे नहलाने के बाद। पूजा की तैयारी यहाँ पर ऑलमोस्ट हो ही गई है मेरी, मतलब सिंपल सा ही डेकोरेशन किया है यहाँ पे पूजा का। बट क्या कर सकती हूँ, अकेले को करना पड़ा क्योंकि इनकी ड्यूटी आई है बीच में, तो ये ड्यूटी गए अभी और मुझे अकेले को पूजा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो अभी जो होता है मुझसे वही मैंने किया है। यहाँ पर डेकोरेशन हो गया है, मतलब सिंपल सा, और बस अभी अद्विक को रेडी ही करना है। तो अभी अद्विक को रेडी करती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। एक्चुअली अद्विक की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसी वजह से बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का ज़्यादा। तो सिंपल सा ही हमेशा डेकोरेशन होता है मेरे यहाँ पे, आपको तो पता ही है अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो। तो इतना ज़्यादा मतलब डेकोरेशन नहीं करती हूँ क्योंकि इनका ड्यूटी का वगैरह होता है, तो इसीलिए अभी भी ड्यूटी ही गए हैं। पूजा के लिए भी नहीं रहेंगे, तो इसीलिए फिर मतलब ये होता है कि अकेले मैनेज करना सारा कुछ तो पॉसिबल नहीं हो पाता इतना ज़्यादा। इसीलिए मैं अभी अद्विक को रेडी कर रही थी और अद्विक की तबीयत भी ठीक नहीं थी, इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते थे। तो यहाँ पर अद्विक को रेडी कर रही हूँ ताकि उसको भी थोड़ा सा अच्छा लगे, मतलब फ्रेश हो जाएगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। वैसे भी उसको ना फेस्टिवल वगैरह होता है तो अच्छा लगता है, पूजा वगैरह तो इसे इतनी ज़्यादा पसंद है ना कि आपको क्या बताओ। पूजा के टाइम में आके बैठेगा, मतलब घंटी बजाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उसे पूजा वगैरह के टाइम पे। और ऐसे रेडी होना, कुर्ता पैजामा पहनना या ऐसे कृष्णा बनना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट इस बार मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना मुकुट था ना कुछ भी नहीं था। मुझे लगा था कि ये जो उसका ड्रेस है वो अच्छे से आ जाएगा उसे, मतलब उस इतना पता भी नहीं था मुझे कि ये रखा हुआ है। बट दो थे, इससे पहले का तो बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है। ये पिछले साल मम्मी ने लाया था, तो इससे पहले भी मम्मी ने ही लाया था, वो भी येलो कलर का था, पिछले साल उसने पहना था वो, तो वो भी थोड़ा सा छोटा ही हो रहा है, मतलब इससे भी छोटा हो रहा था वो, तो ये भी छोटा ही हो रहा था। तो अभी मैंने सोचा चलो यही पहना देती हूँ। उसके पापा बोल रहे थे मुझे कि जाओ बाहर और कान्हा का भी ड्रेस लेके आओ और इसका भी ड्रेस लेके आओ, बट मेरा जाना ही नहीं हुआ और इसका भी ड्रेस नहीं लाया और कान्हा का भी ड्रेस नहीं लाया, तो इन्होंने फिर टाइम पे मुझे ला के दिया था वो, और इसका तो ड्रेस लाना ही नहीं हुआ। फिर भी कुछ भी थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए मैं उसको रेडी कर दे रही थी ताकि वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और उसे भी लगे कि नहीं हाँ कुछ है घर पे। माही को रेडी नहीं करना पड़ता है, माही अपने आप रेडी हो जाती है और उसको भी रेडी करने में हेल्प करती है मेरे। वैसे हमेशा का ही होता है, सिर्फ अद्विक को ही रेडी कर देना पड़ता है मुझे, माही तो अपने आप, सिर्फ उसको बताना पड़ता है आज क्या पहनना है वगैरह। तो ये हो रहा है यहाँ पे, बस उसको अद्विक को रेडी कर दूँगी, उसके बाद फिर पूजा करेंगे। एक्चुअली पूजा में भी बहुत ज़्यादा टाइम था, सारा कुछ निकाल के तो रख ही दिया था मैंने, वहाँ पर सजा के भी रख दिया था, बस पूजा ही करनी थी तो उसमें भी बहुत टाइम था, इसलिए यहाँ पर अद्विक को रेडी कर दिया था। बच्चे दोनों भी फिर टीवी देखने लग गए, तो काफ़ी देर तक फिर उन्होंने टीवी ही देखी, उसके बाद फिर मैंने और बच्चों ने मिलके पूजा की। जी यहाँ पर छोटा सा कान्हा रेडी हो गया है। अद्विक उठो, खड़े रह के दिखाओ। ज्वेलरी वगैरह यार कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए कुछ भी नहीं पहनाया, और अद्विक की तबीयत भी ठीक नहीं है, और ये ड्रेस ना पिछले साल का इसी वजह से थोड़ा छोटा हो रहा है ना अद्विक, अच्छा लग रहा है बट दिखा इधर देखो, अद्विक की तबीयत ठीक नहीं है तो इसी वजह से मुरझाया लग रहा है अद्विक का फेस। नाटक कर रहे थे आप? तो बोल रहा है नाटक कर रहा था मैं सोने का, तो अभी तक सोया ही था, और क्योंकि इसकी दोपहर में तबीयत खराब हो गई थी तो इसे पैरासिटामोल वगैरह दिया था और इसे सुला दिया था मैंने,
तो इसीलिए मेरा इतना मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, इसको रेडी वगैरह करने का, और इसके लिए शॉपिंग भी करनी थी तो वो भी नहीं की, तो फिर इतना मन ही नहीं कर रहा था। बट ये मुझे ड्रेस दिख गया तो मैंने सोचा चलो यही पहना देती हूँ इसे, क्योंकि ये पिछले साल का है और थोड़ा छोटा भी हो रहा है, तो कोई बात नहीं, अभी छोटा काना रेडी हो गया है। अद्विक अभी ठीक लग रहा है क्या पिल्लू आपको? इधर आओ, इधर आओ, तबीयत दिखाओ। फीवर तो अभी नहीं है क्योंकि मैंने दवाई दे दी थी, तो इसीलिए फीवर कम हो गया है। तो देखो यहाँ पर छोटा काना, और काना का ड्रेस भी लाना था, इस काना का ड्रेस भी लाना था, बट इस बार शॉपिंग बिल्कुल कर नहीं पाई मैं, कुछ भी शॉपिंग नहीं की जन्माष्टमी की, तो इसीलिए टाइम पर इन्हें भेज दिया था दोपहर में। इन्होंने कैसे तो भी वो ड्रेस ला के दिया है मुझे काना का, बट बहुत अच्छा ला के दिया है, तो मुझे बहुत पसंद आया। पूजा में तो टाइम है यार, बहुत टाइम है पूजा में, बस हो गया था यहाँ पर पूजा का टाइम, तो मैंने सोचा चलो पूजा स्टार्ट कर देती हूँ। 12 बजने में थोड़ा सा ही टाइम था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी थी। मतलब पहले ना हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कान्हा जी को छुपा के रखते हैं, आपके साइड में भी ऐसा होता है क्या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस यहाँ पर हम लोगों ने सुबह ही छुपा के रखा था, एक्चुअली कोई कोई खीरे में छुपा के रखता है, छोटा सा ऐसे उसे कट करते हैं और उसमें छुपा के रखते हैं, बट मेरे यहाँ पे इतना बड़ा खीरा नहीं मिला था इन्हें, तो मैंने ना चावल में ही छुपा के रखा था। हर साल वैसे ही होता है, मैं चावल में छुपा के रखती हूँ, उसके बाद फिर उनको निकाल के फिर उसने नहला के पंचामृत से नहला के फिर अच्छे से उन्हें रेडी करके फिर उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर कान्हा जी हमारे रेडी हो रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहा था यार वो ड्रेस। मैंने इनको इस बार ब्लू ही लाने के लिए बोला था, तो उन्होंने ब्लू ला के दिया और बहुत ज़्यादा सुंदर ला के दिया था मुझे ड्रेस। एक्चुअली हर बार ना मैं ऐसे कलर चूज़ करती हूँ कि यार ये कलर का इस बार लाना है, सारा कुछ वो कलर का लाना है, तो उससे पिछले साल मुझे याद है, उसके पहले का मुझे इतना याद नहीं है, उससे पिछले साल मैंने पिछले साल मैंने पिंक कलर का लाया था, पिछले साल मैंने ग्रीन कलर का लाया था, इस बार मैंने ब्लू कलर का सारा कुछ लिया है। मतलब उनका मुकुट, हार और क्या बोलते हैं बांसुरी और कपड़े, तो ये सारी चीज़ें, और बहुत सुंदर लग रहे थे कान्हा जी। मैं बाद में कान्हा जी का क्लोजअप लुक दिखा दूंगी, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। एक्चुअली डेकोरेशन इतना ज़्यादा नहीं किया था, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा डेकोरेशन करते हैं, बट इनकी ड्यूटी वगैरह थी तो इसी वजह से इन्होंने कुछ डेकोरेशन करके नहीं दिया था। मेरा ये सिंपल सा ही होता है, हमेशा सिंपल सी मैं पूजा करती हूँ, बट मुझे अच्छा लगता है डेकोरेशन वगैरह करके पूजा करना। पिछले साल भी नहीं किया था इतना, बट अगले साल मैं सोच रही हूँ कि यार नहीं करूँगी मैं, पता नहीं अभी मतलब पहले से ही नहीं सोच के रखते हैं कुछ भी, तो जो भी होता है वो टाइम पे होता है। और यहाँ पर आप देखो अद्विक और माही इतना ज़्यादा खुश है कि जी ऐसे ही होता है यहाँ पे मेरे यहाँ पे ना, जब भी मैं पूजा वगैरह करती हूँ या कुछ भी फेस्टिवल होता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, ऐसे ही होता है हमेशा। बचपन में भी हम लोग ऐसे ही करते थे, मेरा भी वैसे ही होता था कि कोई भी फेस्टिवल रहता था तो पहले मुझे कपड़े चाहिए ही रहते थे, कोई भी छोटा मोटा भी फेस्टिवल रहता था तो। बच्चे अभी तो इतना ज़्यादा नहीं है, बीच में कपड़े वगैरह लेते ही है हम लोग, तो इतना कुछ नहीं है, बट मुझे ना मैं तो छोटी थी तो मुझे कपड़े चाहिए ही रहते थे कोई भी फेस्टिवल पर। तो बस यहाँ पर पूजा कर लिए है, आरती कर लूँगी और बस मेरी पूजा हो जाएंगी। और ये ड्यूटी से पूजा वगैरह होने के बाद आए थे, बहुत लेट हो गया था उन्हें ड्यूटी से आने के लिए, तो यहाँ पर मेरी पूजा भी कर ली थी मैंने और सारा कुछ हो गया था, उसके बाद वो आए थे घर पे। और सॉरी गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो गया है ये व्लॉग, काफ़ी दिन पहले मुझे अपलोड करना था ये, क्योंकि जन्माष्टमी होके बहुत दिन हो गया है, बट मैं अपलोड ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में आ ही रहा था, तो ऐसे करके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही रहे थे, तो इसीलिए मतलब कुछ भी शूट भी नहीं कर पा रही थी ना, तो फिर अपलोड भी नहीं कर पा रही थी। तो कुछ व्लॉग शूट किए हैं, मतलब एक दो व्लॉग है मेरे पास शूट किए हुए, तो वो मैं अपलोड कर दूँगी बाद में, क्योंकि ना उसके बाद मैं अभी रेगुलर व्लॉगिंग करूँगी, क्योंकि क्या हो रहा था कि अद्विक की भी तबीयत ख़राब थी, उसके बाद कंटिन्यू बारिश, तो ऐसा मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, तो ऐसा हो जाता है कभी कभी, मतलब आलस आता है और मतलब हम लोग सुस्त हो जाते हैं उस टाइम पे, तो ऐसा हो मेरे साथ भी हुआ था, और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, सिर्फ बस घर के काम करो और अपना अपना बस बच्चों को देखो,
यही हो रहा था मेरे साथ भी, कुछ भी नहीं किया मैंने शूट वगैरह। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि हम लोग घूमने गए थे, उसके बाद फिर घूम के आए, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा वो हो गया था कि यार नहीं थोड़े दिन और रेस्ट कर लेती हूँ। तो ऐसे करके रेस्ट रेस्ट के चक्कर में मेरा मतलब इतने दिन निकल गए। तो ऐसे ही होता है कभी कभी, खुद के लिए भी टाइम देना चाहिए, बच्चों को भी टाइम देना चाहिए। तो आप भी बोलते हो ना हमेशा कि यार नहीं दी, आप बच्चों को भी टाइम दो। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को भी टाइम देती हूँ, घर वालों को भी टाइम देती हूँ। तो ऐसे करके इतने दिन ही हुआ, बस बातों बातों में पूजा भी हो गई है और आरती भी हो गई है। तो यहाँ पर बच्चे भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, देखो अद्विक तो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था। तो चलिए आपको पूजा दिखा देती हूँ। तो गाइज़ कैसे लग रहे हैं कान्हा जी, ज़रूर कमेंट करके बताना, मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पर बस ऐसे ही सिंपल सी पूजा थी मेरी, और मैं आपको अंकल के यहाँ की भी पूजा दिखा देती हूँ। एक्चुअली रात को बहुत लेट हो गया था, इसीलिए मैं अंकल के घर पे उस टाइम नहीं गई थी, मतलब श्रीकांत के घर पे। तो सुबह गई थी, तो सुबह मैंने शूट कर लिया था, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ वहाँ की भी पूजा। तो मैं आपको आगे वहाँ की भी पूजा दिखा देती हूँ। तो ये है अंकल आंटी के घर की पूजा। एक्चुअली श्रद्धा ने बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था, उसे डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा डेकोरेशन करती है वो। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था डेकोरेशन और पूजा। तो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, बहुत अच्छा डेकोरेशन किया था उसने। और ये है पूरा लुक पूजा का। चलिए गाइस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। Bye.